ओम शांति। 7/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, हम बाबा के साथ साथ सदा, बाबा हमारे साथ साथ है ना। आज बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी, नंबर वन सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझाने हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है, ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है, ऊंचते ऊंच उनका ठाम रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाम, ऊंचते ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय का देना है, परम पिता परमात्मा तो है ही ट्रुथ, वह है रचयिता, फिर है उनकी रचना। ऊंचते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता है बाप, बाकी है रचना। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का, उनकी है सब रचना। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है, पहले पहले है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी छाप का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वह भी जल्दी मरती नहीं है। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, सच खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापित करते हैं, नहीं, सच खंड था फिर यह भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परमपिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे और सब झूठे हैं। पांच विकार रूपी माया रावड़ झूठा बनाती है, राम सच्चा रावड़ झूठा। रावड़ ही भारत को झूठा बनाता है, कहानी सारी भारत पर है। समझाना है, भारत स्वर्ग था अब नर्क है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला वह स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको सुनाते हैं, जिससे तुम तत्कालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वादर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही है। गाया भी जाता है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे लोगों का। अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो, रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने
बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ बदलाव नहीं रहता, ना बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। यदि आत्मा से परमात्मा होता तो आप ही जब परमात्मा हैं तो फिर योग लगाने की आवश्यकता क्या है, उसे याद करने की आवश्यकता क्या है? बाबा के दिन सब बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता, यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में दिखे जाते हैं, कोई किस में दिखे जाते हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट में तो नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से जो भी मैं सिखाता हूँ वो तो सिर्फ तुम बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हो ना, बाकी तो नहीं। तो बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में दिखे जाते हैं, कोई किस में दिखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की, बाप को याद कर किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वो प्योर बनती जाएगी। उच्चते उच्च बाप आकर पढ़ाते हैं और उच्चते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। नाम भारत का बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है, वह तो सतयुग है। उनको कहा जाता है नई दुनिया और यह है पुरानी। तो उनको रचने वाला बाप है और पुरानी को रचने वाला रावण है। वह है निराकार, सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह है शांति धाम साइलेंस। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहां देह मिली? सूक्ष्म देह मिली हुई है। उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म लोग कहा जाता है। ऊंचते ऊंच कौन है? गॉड फादर। वो कहाँ का रहने वाला है? निराकारी दुनिया का, शांति धाम का, शांति का शंकर, है ना। बाबा कहते हैं, तो वो है वो सबसे ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली है, तो वो कहाँ के हो गए? सूक्ष्म बदन के, है ना, तो उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह भी सूक्ष्म बदन में बाबा ने साक्षात्कार के लिए संगम पर रखा है, नहीं तो बाबा कहते हैं दो ही लोक है, एक शांति धाम और एक ये स्थूल बदन, है ना। अभी लेकिन साक्षात्कार के लिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म बदन को रचना पड़ता है आप सब बच्चों के लिए। तो और वह है शांति धाम साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल बदन जहाँ हम आत्माएं शरीर लेकर के पाठ बजाती हैं, तो इसे कहेंगे स्थूल बदन। इसी तरह बाबा ने तीन फ्लोर के बारे में कहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड फ्लोर पर आत्माएं शरीर लेती, सेकेंड फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहने का स्थान है, बाबा निवासी है, और फिर सूक्ष्म बदन जहाँ सूक्ष्म देह मिली है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। अच्छा, तो और वह है शांति धाम, बाबा कहते यह है स्थूल बदन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंचते ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो, ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है, सर्वोदया कहते हैं ना।
अगर वह क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वह विक्रमा में लुप्त है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तो भेंट करते हो। गीता तो कोई बाबा कहते गीता भगवान भगवत में यह बातें हैं नहीं, है ना। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? हाँ गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप के सिर्फ महिमा करना यह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ ये कह दिया कि वो ज्ञान सागर है, परमधाम का निवासी है, बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, तो बाबा कहते हैं ऐसे सब कहने से थोड़े ना कुछ होगा। हाँ बाबा कहते कोई फायदा नहीं, बाप की सिर्फ महिमा करना, इससे कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोगों की नॉलेज देता है, तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर, हम सभी हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है, हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला बाप है, पारसनाथ कहते हैं। कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण, फल उनके मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं है कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ, पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरो जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्होंने को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प सकलयुग के आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर, तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है, यहाँ बैठे हो तुम, समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए, पारसनाथ पारसपुरी से मालिक, पारसपुरी के मालिक बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, वो खुद जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वर्षा खलास हो गए, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे, पहले थे फिर खत्म हुए फिर होंगे, जरूर ड्रामा में होते। तो यह बुद्धि से समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण के बाबा कहते हैं सब बुद्धि से समझो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, मेरी महिमा गाओगे उससे क्या होगा। बाबा कहते ये सब जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े महल थे वहाँ पे, लेकिन अभी वह सब खत्म हो गए, तो बाबा कहते वो सब वापस खड़े होंगे, पहले थे फिर खत्म हो फिर होंगे, है ना। तो ये ड्रामा है, तो ये सब समझा रहे हैं बाबा। लड़ाई में भी सब टूट फूट हो जाते हैं, फिर नए सिरे महल बनाते हैं, महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे, ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकले नहीं। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारका नीचे चले गए हैं जो फिर निकले, परंतु ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे है भी नहीं। नदी से कोई समुद्र से महल बना थोड़ी खड़ा होकर निकलेगा, है ना। तो अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो, कितने माला मार थी, धन दौलत था ना, सब था। बाबा कहते अब सब क्या हो गया, गायब हो गया है, सब ले गए, फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है, फिर
कि यह कैसे फिरता है, सतयुग की स्थापना बाप ही करेगी। अब बाबा सब मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो, इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है, योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। बाबा कहते पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि वह पतित पावनी है। जब तप गंगा स्नान आदि करना यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना, आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं, यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। बाबा कहते परमपिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है, आत्मा परमपिता परमात्मा बाप को ही याद करती है, करती रहती है उन्हें। बाबा कहते जब उनको दुख होता है तब, सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगी, वहाँ कोई भी दुख नहीं, से सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा या सार बाधा हम को सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे, बाबा क्या कह रहे हैं समझना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते, गुरु करते हैं, यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा, ऐसे और कोई भी कह ना सके, साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े, पार्ट में तो आना ही है, मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ, बाबा नहीं लेते ना, तो अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तुम पर तमो प्रधान बन जाऊँ मैं भी, है ना। आत्मा ही एम्प्योर इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है, गोल्डन एज सिल्वर एज और कॉपर सिल्वर, जो सिल्वर के बाद कॉपर फिर आयरन एज जाती है ना, तो बाबा कहते हैं ये एज भी अक्षर अभी की है, बरोबर अभी आयरन एज है, अब संगम है, बाप को जरूर आना ही है संगम पर, पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह बाप का ही काम है, बाप ही पतित पावन है अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है, सृष्टि का रचयिता नहीं बदलने वाला है, रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं कि बड़ी बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीता, ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावन गंगा, पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है, गंगा नदी तो वहाँ भी होती है परंतु वहाँ सब चीजें सत्व प्रधान हो जाती है, गंगा भी सत्व प्रधान, यहाँ तो तम प्रधान है, फ्लड्स कर देती है, गांवों को डुबो देती है, ब्रह्मपुत्र कितने गांव को डुबो देती है, यह है ही दुख धाम, सतयुग में थोड़ी ही दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेगी, जो जिसकी मर्यादा है वो सब अपने अपने मर्यादा का पालन करेंगे, चाहे वो भी पांच तत्व हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे इस दुनिया के जो भी तत्व हैं, जो भी चीजें वस्तुएं सब बिल्कुल आपके जो भी हैं कायदे में ही रहेंगी, है ना। इवन ये मौसम भी आएंगे तो जिस समय आना है जिस समय जाना है उसी समय आएंगे उसी समय जाएंगे, एक ना दिन कम एक ना ज्यादा, है ना। तो बाबा कहते सब अपने रास्ते चलेंगे कायदे से, यहाँ रास्ता छोड़ देती है, कभी किस तरफ चली जाती है, वहाँ पांच तत्व सत्व प्रधान होने कारण जल भी कभी दुख नहीं देता है, ये सुनामी अर्थों को एक ये फ्लड्स इस तरफ से कुछ भी नहीं, बाबा कहते यहाँ जल भी दुख देता है, पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है, जरूर बाप ही होगा, अभी तो नर्क है, बाबा आया है,
हम प्रजापिता ब्रह्मा के वंश ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता की किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, फिर देवता हमें कैसे देवता बनाएंगे, है ना? परमात्मा ही बनाता है, तो यह तुम अभी जानते हो। आगे तो सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता किए, जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रच दिया कर चेता कौन है। सतयुग की सृष्टि फिर कलयुग ही बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पाठ बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, फिर ज्ञान सूर्य से ब्रह्मा बाबा, ज्ञान चंद्रमा और बाबा के इतने सारे बच्चे सितारे, है ना, ज्ञान सितारे। तो जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसके सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं, रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। मीठे मीठे सीखी जाती बच्चों को भी, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद करो, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाप। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझ कर पुरुषार्थ करना है, बाप समान रहम देवन सभी पर रहम करना है। दूसरा, बाप सच खंड स्थापन कर रहे हैं इसलिए सच्चा होकर रहना है, बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, वरदान है सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भाव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल अविनाशी फल सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेगी और कलयुग में भी मिलेगी, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या लेकिन हीरा बन जाता है, यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले नेतक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। पेड़ को देखो, आप पत्थर मारते हो और पेड़ को फल देता है ना, तो बाबा भी मर्सीफुल है ना, तो आप बच्चे भी बाप के मर्सीफुल बच्चे हुए ना, तो बाबा कहते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करना, गाली देने वाले पर भी आपको गाली नहीं देना है, हर एक आत्मा की सहयोगी बनना है। जब आप सहयोगी बनेंगे तो सामने वाले को आप अपना सहयोगी बना लेते हैं, है ना, सहजयोगी सहयोगी, है ना। अच्छा, ओम शांति।